नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक सप्ताह में दो लोगों की संदिग्ध मौत हो जाने से सनसनी फैल गई है। कोरोना के चलते संदिग्ध तरीके से गायब हो रही मौतों से लोगों पर डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिला हमीरपुर की थाना सुमेरपुर के ग्राम टेढ़ा का है, जहां बीती रात करीबन रात के 11 बजे 85 वर्षीय एक वृद्ध की संदिग्ध स्थिति में सुमेरपुर से पांडा रोड में ग्राम टेढ़ा की संतोषी माता मंदिर के सामने खेतों में पड़ी मिली, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने देख पुलिस को अवगत कराया। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। ये क्या घटना हुई है? घटना ये हो गई है कि हमारे गाँव के हमें टेढ़ा के द्वारा वहाँ के टेढ़ा के निवासी प्रधान शिलाल यादव के द्वारा सूचित किया गया कि हमारे गांव में है, तो हम गांव से 8-10 लोग इकट्ठा हुए और गए वहाँ, तो उनकी लाश को यहाँ लेके आए और सर्वसम्मत से गांव के सहयोग से हम इनका अपना अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया अपना कर रहे हैं। अच्छा, इनके परिवारजनों में कोई है? परिवार में सर इनके कोई नहीं है, क्योंकि ना इनकी शादी हुई थी और ना ही इनके कोई भाई है, ना भतीज है, ना ही पति पत्नी कुछ नहीं है, यही है केवल। ऊपर दोनों आँखों से अंधे थे। ये मिट्टी आप रखे हुए हैं, इसका अंतिम संस्कार आप करने जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, इनको अपना अंतिम संस्कार गाँव की सम्मत से सबके सहयोग से हम लोग सब इकट्ठा होकर अपना जितने भी हैं अपना अंतिम संस्कार करके उनकी आत्मा को शांति मिले। कुछ देर बाद टेढ़ा गांव के कुछ लोगों ने बताया कि मृतक व्यक्ति पचकुरा महान के आनंद देव दीक्षित की है, जो कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य संबंधी वैद्य थे। इनको कुछ सालों से इनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता था और इनके परिवार में कोई संबंधी न होने के कारण ये अकेले रहा करते थे, जिस पर शिनाख्त होने से पुलिस को अवगत कराने के बाद 85 वर्षीय मृतक आनंद देव को गाँव के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रेलवे सलाहकार समिति सदस्य मुकेश सोलंकी और देवास के पत्रकार शहाबुद्दीन मंगलवार को कन्नौज खंडेगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रस्तावित दौरा किया। इस दौरान रेस्ट हाउस पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों ने डायरी पेन भेंट कर उनका सम्मान किया। साथ ही इंदौर बुधानी रेलवे लाइन संबंध में चर्चा भी की गई। चर्चा में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य मुकेश सोलंकी ने बताया कि इंदौर बुधानी रेलवे लाइन का करीब 4,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमें 4 साल में तैयार करके रेल चलानी थी, लेकिन कोरोना के कारण हम 1 साल के करीब काम धीमा हुआ है। फिर भी हम लगभग 4 साल में रेल चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर से बुधानी तक की लाइन की दूरी करीब 187 में 29 ओवरब्रिज, 6 सुरंग, 17 नए स्टेशन, 64 पुलिया, 89 अंडरब्रिज तथा 47 छोटे पुल बनाए जाएंगे। चर्चा के समय श्रमजीवी पत्रकार संघ के विनोद बुत्रा, ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, अतुल गुप्ता, मांगीलाल मालवीय, विजय धारीवाल, राजेश परमार, शिवराम यादव, राजेश उपाध्याय, राजकुमार मोदी आदि उपस्थित थे। ये देवास जिले में कन्नौज खातेवां क्षेत्र का आज आपने दौरा किया, किस संबंध में दौरा किया है? ये मैं रेलवे बोर्ड का सदस्य हूँ, उस नाते ये नई प्लानिंग रेलवे की हो रही है। इसमें देवास जिले का हाट पिपलिया और यहाँ से बुधनी रेलवे लाइन के नाम से मांगलिया से बुधनी से इस लाइन को जोड़ा जाएगा। तो काफ़ी प्रस्तावित था मेरा दौरा, लेकिन कोरोना के कारण मेरा आना नहीं हो पाया। तो वर्तमान में जो वर्क चल रहा है मैं उसी को देखने के साथ में आ रहा। कब तक काम पूरा होने का है इसमें? ये लगभग 4 साल में इस काम को पूरा होना था, लेकिन हो सकता है कोरोना कार्य को देखते हुए 1 साल और बढ़ गया है, लेकिन फिर भी 4 और 5 साल के अंदर इस काम को पूरा करके इस लाइन पे ट्रेन चला दी जाएगी। अभी तक कितना काम हुआ इसमें? इसमें अभी सुरंगों का काम चल रहा है, किसानों की जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और लगातार दिन रात करके चल रहा है इस काम को, और जल्दी से जल्दी पूरा होगा।
BCN न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय ध्रुवे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। सुल्तानगंज में स्थानीय पदाधिकारियों ने सरकार की गाइडलाइन जारी होते ही पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिया। भागलपुर सुल्तानगंज में बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा चौथे लॉकडाउन का सूची जारी होते ही स्थानीय पदाधिकारी अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने दलबल के साथ पैदल मार्च करते हुए नगर भ्रमण किया। इस दौरान कार्यपाल पदाधिकारी अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने सभी दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान खोले, साथ ही एक दिन के बाद दुकानें खोलने के निर्देश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर खोले ग्राहकों को बिना मास्क सामान नहीं देने की बात कही। मास्क लगाना अनिवार्य है। इस दौरान बिना मास्क के 18 दुकानदारों को मास्क फाइन वसूली करते हुए मास्क लगाकर रहने की हिदायत दी। साथ ही चौक चौराहे पर सरकार एवं जिला प्रशासन की गाइडलाइन सूची को दीवारों में चिपकाए गए। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने मीडिया को बताया कि सरकार के द्वारा 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, जो रोको टोको अभियान नगर में चलाकर सभी दुकानदारों को मास्क लगाकर दुकानें खोलने का निर्देश दिए गए। यह अभियान 8 जून तक चलेगा। 18 दुकानदारों के बिना मास्क के फाइन वसूली किए गए। सभी दुकानदारों को सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया। इस दौरान स्थानीय थाना पुलिस एवं नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे। जैसे कपड़ा का दुकान, जूता चप्पल का दुकान, सब को जो है बृहस्पतिवार शनिवार और उसके बाद फिर मंगलवार को खोलना। आज हमने एक ड्राइव चलाया है, जितने भी दुकान हैं हमने सब जगह विजिट किया है। दुकानदार को सब हिदायत दी गई है कि आप मास्क खुद ही पहने और जो ग्राहक आपके आते हैं उनको भी मास्क जो है पहनने के लिए, अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो फिर उनको सामान आपको नहीं देना। हमने फाइन भी किया है कई सारे दुकानदार, कई सारे ग्राहक। रोको टोको अभियान चलाया है हमने रोड पर, सभी को हमने जागरूक किया है कि कम से कम मास्क को पहन करके निकले आवश्यक कार्य के लिए ही। कुछ दुकानों ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि आज के दिन इनको नहीं खुलना है, उन्हें बस वार्निंग लेके हमने छोड़ दिया है। और इसलिए हमने आज एक जगह जगह जो है हम जो ऑर्डर की प्रति है उसको हम चिपका रहे हैं ताकि सभी को पता चल सके कि जो है किस किस दिन किस दुकान को खुलना है। लगातार माइकिंग भी कराया जा रहा है, तो 8 तारीख तक हम लोग इसी अभियान को जारी रखेंगे। BCN न्यूज़ के लिए बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।